इस समय मैं गया रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी श्री अनवार समीर सिद्दीकी के पास मौजूद हूं। इनके बारे में जितने भी गया रेलवे के स्टाफ हैं, इनके बारे में ये पता चला कि ये कोरोना वॉरियर के रूप में यहाँ पर काम किए हैं। इसके पहले मजदूर के आने का जो सिलसिला जारी था और आ चुके पांचवा चरण अभी चल रहा है लॉकडाउन का, तो पांचवें चरण में कुछ छूट दी गई है, अब तो ट्रेन आने लगी है, लेकिन इसके पिछले जो मजदूर के आने का जो सिलसिला गया शहर में जो हो रहा था, गया रेलवे स्टेशन पे हो रहा था, उसमें ये पता चला कि कोरोना वॉरियर के रूप में ये काम किए हैं। आइए जानते हैं सिद्दीकी साहब से कि इन्होंने किस तरीके से उन मजदूरों के दुख दर्दों का निवारण उन्होंने किया। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने कोरोना वॉरियर के रूप में जो काम किया है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, सबों ने बताया कि आपने जो काम किया है बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में आप बताएं कि उन गरीब मजदूर जो आ रहे थे, उन लोगों का निदान आपने कैसे किया दुख दर्दों का? देखिए, जो यहाँ तो जिला प्रशासन और रेलवे के बीच एक समन्वय हुआ था, जो भी श्रमिक स्पेशल गाड़ियाँ आएंगी मजदूरों के साथ क्या करना है, उनको कैसे भेजना है। तो जब भी कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन आती थी तो यहाँ रेलवे के IRCTC के माध्यम से अगर जहाँ जहाँ जिनकी जरूरत थी उनको पानी और खाना वगैरह उपलब्ध कराया जाता था। उसके बाद बाकायदा हम लोग एक एक कोच से निकाल के बड़ी गेटी के माध्यम से सारे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता था और उनको बाहर निकाल के जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर देते थे, जहाँ संबंधित जिलों की बसें वगैरह लगी रहती थी और उनको जिले वाइज जिला प्रशासन की तरफ से उनको उनके घर पे भेज दिया जाता था, या जहाँ भी क्वारंटीन सेंटर में उनको भेजना था वो भेजा जाता था। बाकी और भी जो मजदूर जिसे तमाम काफ़ी दूरी तय करके आ रहे थे, एक एक दिन दो दो दिन उनको सफ़र में लग जा रहा था, तो यहाँ उनके खाने पीने की भी जो समस्या होती थी और भी दवा वगैरह की समस्या, जो भी और भी प्रॉब्लम होती थी, हम लोग रेलवे के संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेशन करके उनकी सारी समस्याओं का निदान यहाँ करवाते थे। तो ये सब काम करते हुए आपको खौफ और डर नहीं लगा क्या? नहीं, देखिए, इसमें खौफ और डर की बात नहीं है, तो मान लीजिए हमारी ड्यूटी है। अब हम रेल में काम कर रहे हैं तो रेल में आने वाले लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है, ये तो एक पार्ट ऑफ ड्यूटी है। और दूसरा, अब कोरोना से लड़ना नहीं बल्कि कोरोना से डरने की बात नहीं है बल्कि कोरोना से लड़ने की बात है। आप अब तो ये हो गया कि आपको कोरोना के साथ ही जीना है, अपनी तरफ से सावधानी बरतनी है, तो वो हम या हमारे स्टाफ जो भी थे इस तरह की पूरी सावधानी बरतते थे। हाथों में ग्लव्स था, चेहरे पे फेस शील्ड वगैरह लगा के मास्क का उपयोग करते थे, साथ ही साथ सारे लोगों को सैनिटाइजर्स उपलब्ध थे, तो वो हम लोग बराबर इस तरीके की अपनी सावधानी बरतते थे और खौफ जैसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जो मजदूर चले आ रहे थे तो उन मजदूरों को खाने पीने का इंतजाम भी मैंने सुना है कि आपने अपने लेवल से उन मजदूरों को भी खिलाने का काम किया है? नहीं, देखिए, खान जो भी गाड़ियां आती थी गया में और जिनसे श्रमिक लोग उतरते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम तो बाहर जिला प्रशासन की तरफ से था ही, और श्रमिक स्पेशल से पहले भी लॉकडाउन की जो अवधि थी उसमें तमाम जो गया में लोग आए थे और यहाँ से उनको ब्रांच लाइनों में जैसे क्यूर की तरफ जाना है या भागलपुर की तरफ जाना है, तो अचानक लॉकडाउन और रेल बंद होने के कारण यहाँ बहुत सारे मजदूर फंस गए थे, जो गया उतरने के बाद अपने डेस्टिनेशन को नहीं जा सके। तो ऐसे वो मतलब पंजाब से आए, दिल्ली से आए, मुंबई से आए, फिर यहाँ से अपने घरों को वो नहीं जा सके, तो वो सारे के सारे लोग, ऐसे बहुत सारे मजदूर थे जो हमारे पास सरगुडिंग एरिया में ठहर गए थे, उधर डेला साइड की तरफ जो नया सरगुडिंग एरिया बन रहा है, अब उनके सामने खाने पीने की भी समस्या पैदा हो गई थी। तो हम लोगों ने पहले तो अपने मतलब विभाग के तरफ से कुछ आपस में कंट्रीब्यूशन करके हम डेली बेसिस पे ऐसे उनके खाने पीने का इंतजाम किया। हम लोगों के काम को देखते हुए फिर रेलवे की जो एजेंसी है IRCTC, उनके तरफ से भी खाने पीने का इंतजाम किया गया। सुबह शाम हम लोग डेली उसमें खाना भी बंटवाते थे। फिर इस काम को देखते हुए गया शहर की कई NGO और कुछ समाजसेवी लोग भी इस काम में आगे आए और हम लोगों का उन्होंने सहयोग दिया, राशन वगैरह भी उपलब्ध कराया, जो हम लोग बाकायदा सब्जी चावल है, कढ़ी चावल है, पूरी सब्जी है और भी इस तरीके खिचड़ी है, इस तरीके खाना तैयार करके करीब करीब 1200-1300 आदमी को हम लोगों ने 2 महीने तक लगातार यहाँ भोजन कराया, दोपहर में भी और शाम में भी। अभी रेल मंत्रालय की तरफ से अब तो लॉकडाउन
खत्म ही कर दिया गया है, अब तो ट्रेन का परिचालन भी किया जा रहा है। तो अब जो परिचालन हो रहा है, जो ट्रेनें आ रही हैं, तो अब जो पैसेंजर्स आएंगे तो क्या उनके उन पे भी वैसे ही पहले की तरह ही कार्रवाई होगी जो पहले होती थी, कि अब उसमें भी छूट दी गई है? नहीं देखिए, अभी जैसे देश भर में 200 ट्रेनों को चलाया जा रहा है रेल मंत्रालय की तरफ से, और हमारे गया जंक्शन से करीब 5 ट्रेनें यहाँ से अभी मतलब इनका स्टॉपेज है, इसी 5 ट्रेनें तय हैं, जिसमें हावड़ा जोधपुर है, पूर्वा एक्सप्रेस है, अमृतसर से हावड़ा जाने वाली गाड़ी है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, और राजधानी एक्सप्रेस भी चल रही है। तो ऐसे यात्रियों को रेलवे के द्वारा जो नियम बनाया गया है कि केवल कंफर्म टिकट जिनके पास होगा ट्रेन का, वही यात्री स्टेशन पर मुझे में आएंगे, और वेटिंग लिस्ट वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बाहर ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए बाकायदा उनकी लाइन लगवा देते हैं। प्लेटफॉर्म पर बैरिकेड्स वगैरह बनाए गए हैं, रेलवे डॉक्टर्स की टीम है, कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीम है जो उनके टिकट वगैरह चेक करते हैं। तो हर आने वाले पैसेंजर का टिकट वगैरह चेक करके उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो बाहर से या दूसरे राज्यों से ट्रेनों से लोग गया जंक्शन पर उतर रहे हैं, उनकी भी बकायदा थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको बाहर जाने दिया जा रहा है। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कोई भी आदमी या कोई भी यात्री रेलवे परिसर में न तो आ सकता है, न ही बाहर जा रहा है। तो अभी क्वारंटीन जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको क्वारंटीन कैसे करा रहे हैं? उनको घर पे ही भेजा जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर पे भेजा जा रहा है? देखिए, जैसे जहाँ तक क्वारंटीन की बात है, ये तो अपना राज्य सरकार का विषय है, उसको क्वारंटीन करना है अपने स्तर पे या उसको होम क्वारंटीन करना है, ये राज्य सरकार तय करेंगी। लेकिन हम लोगों को जो रेल मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस मिली हैं, तो उसमें यही कि आप स्क्रीनिंग करके उनको बाहर भेज दें और वो अपने घर में जाए, अपना सावधानी बरतें। बाकी अगर किसी को कुछ लक्षण वगैरह दिखाई दे, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग में मान लीजिए कि किसी को हाई टेम्परेचर मिल गया, तो फिर हम लोग उसको रोकेंगे और उसको राज्य सरकार को हैंड ओवर करेंगे, फिर उनको जो भी कार्रवाई करना हो वो अपने स्तर से करेंगे। ये थे रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी सिद्दीकी साहब, जिन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी कि कैसे उन्होंने मजदूरों के काम आए, मजदूर जो चले आ रहे थे उनको खाना खिलाने का काम किया, उनके दुख दर्द का निवारण इन्होंने कराया, और अभी जो ट्रेन का परिचालन हो रहा है, अभी इन्होंने साफ विस्तार से कहा कि अभी जो राज्य सरकार और भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसी मुताबिक काम किया जा रहा है, ऐसे ट्रेन का जो परिचालन है उसको चालू कर दिया गया है। गया से फैज अहमद, रिपोर्टर्स पेज न्यूज के लिए,